हमारे जीआरपी थाने की और आरपी थाने की संयुक्त टीम ने इसको तलाश करके और कल देर रात अजमेर से ही पकड़ा है और बाद पूछताछ को गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, 10वीं पास है, अंग्रेजी में अच्छी तरह से पारंगत है और मोबाइल में इसने फॉर्मेट फिक्स कर रखा है ट्रेन के टिकट का। तो जिस जहाँ की भी ट्रेन उसको चाहिए उस ट्रेन का नाम बाकायदा ये ट्रेन नंबर सीट नंबर एडिट करके उसको प्रिंट करके दे देता और पैसा ले लेता। इस तरह से कम 4-5 सालों से ये सक्रिय है और पूरे देश भर में इसने अजमेर, जयपुर, दिल्ली, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, हैदराबाद, तमिलनाडु हर जगह इसने इस तरह की वारदातें करी है और करीब ये 1000 लोगों को इसने शिकार बनाया है। सर अपन ने किस तरह से पकड़ा इसको, पकड़ने को? इसका हमारे पास पहले से एक इनपुट था कि इस तरह का एक आदमी चीटिंग करता, तो हमारे लोग सील में हमने लगा रखे थे, काफ़ी टाइम से प्रयास में भी थे और कल ये परिवादी आए तो इनको भी साथ लेकर हमने तलाश किया और इसी हुलिये के और इसके आधार पर हमने इसको गिरफ्तार किया। ये लोग ट्रेन के अलावा ये जरूरतमंद को उसके मुताबिक देख के और हवाई टिकट भी बना लेता है। उसको कहता है अगर आपका ट्रेन में नहीं मिला तो क्या आपको मैं प्लेन का टिकट करवा दूँ। जरूरतमंद आदमी इसको बोल देता है कि मुझे ठीक है आप प्लेन का टिकट करा दो, तो ये ट्रेन के टिकट भी इसने फर्जी बना के लोगों के साथ चीटिंग की है और ये इसका शौक ये है कि इनके पैसों से 3-स्टार 5-स्टार होटलों में रुकना, महंगी गाड़ियों में किराए की घूमना, खाने पीने में पैसा इसने खर्च किया है। बाकी अभी अनुसंधान जारी है। क्या उम्र है इसकी? उम्र 24 साल है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इससे क्या कुछ बरामद हुआ है? अभी इसके कब्जे से फर्जी टिकट वगैरह बरामद हुए हैं और अनुसंधान के दौरान और मुकदमों में पूछताछ जारी है, अन्य चीजें और बरामदगी और वारदात की कोशिश करें, खुलासा होने की उम्मीद है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।